हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अ बेफिक्रे इंजीनियर्स। सो हम लोग पहुंच गए हैं कसोल, हमें जाना था तोश लेकिन हम नहीं पहुंचे बिकॉज अभी तक हमारी ट्रैवलर बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। फिलहाल हम आगे बरसीनी तक जाने की सोच रहे थे लेकिन हुआ क्या कि किसी ने बोला कि आगे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है तो आप लोग यहीं रुक जाइए। हम लोग अभी फिलहाल यहाँ होटल देख रहे हैं। मेरे को तो देखो बहुत मजा आ रहा है लेकिन मैडम हो रही है परेशान क्योंकि अब तक इनके हिसाब से कुछ भी प्लान नहीं। कसोल बहुत ही ज्यादा आज क्राउडेड है, होटल्स पूरे प्री बुकिंग तक है, आप मानोगे नहीं। तो यहाँ तो हमें मिला नहीं बट किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप छोज विलेज चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं और ये पहाड़ों के बीच में होटल्स बने हुए हैं। सीरियसली यहाँ पे व्यू कसोल से बहुत अच्छा है, हमने इतने होटल्स देखे वहाँ पे, वहाँ कोई व्यू नहीं है, जस्ट मार्केट में और रूम टाइप है, बट अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो प्लीज यहाँ आइए। वाओ, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है कसोल से। फाइनली हम डेस्टिनेशन को डिस्क्लोज करते हैं, हम पहुंच गए हैं कसोल और बहुत ही बहुत 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 वो अनप्लान ट्रिप के जो एक्सपीरियंस थे वो हमने ले लिया। ये मेरे मजे ले रही है और कुछ नहीं ले रही, मोटे की वजह से हमें होटल कहीं पे भी नहीं मिला। फिर हमने दो ढाई किलोमीटर की ट्रैक की ना, 2.5 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद हमें बहुत अच्छा होटल मिला जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा व्यू है। एक्चुअली यहाँ पे कोई पार्टी होने वाली है और न्यू ईयर है तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप प्रेफर करेंगे न्यू ईयर पे आना या फिर किसी फेस्टिवल पे आना तो ऑल प्लीज अनप्लान मत आइएगा, प्लान करके आइएगा वरना मेरी तरह ये मतलब आप लोगों में भी जान जाएगी जैसे मेरी जा रही है। फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ एक्सप्लोर करने कसोल में क्या है और मार्केट वगैरह हम देख के आ चुके हैं, सर्दी का मजा लेने जा रही है। तो आज का मतलब दिन बहुत ज्यादा थकान वाला था यार, सुबह से हम चल रहे हैं, कल रात से चल रहे हैं बेसिकली और अभी पहुंचे हम सिर्फ कसोल। और जहां जो मेन एम था कि हम बरसीनी पहुंचे बट ड्यू टू ट्रैफिक और ड्यू टू जाम हम नहीं पहुंच पाए, तो हमने सोचा हम यहीं स्टे करते हैं और किसी पल को एंजॉय करते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं रिवर साइड व्यू पे, देखते हैं यार वहां पे क्या है और कसोल मतलब कैसे मतलब इतना सुंदर है, लेट्स सी। तो दोस्तों ये है छोज विलेज, कसोल से 2 किलोमीटर दूर है लेकिन कसोल से फार फार बेटर है। यहाँ पे बहुत शांति है, नेचर भी बहुत है एंड बेस्ट पार्ट की यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, कैंप है, टेंट हाउस है, यहाँ पे आप अच्छे से बार्गेनिंग करके बहुत ही मिनिमम प्राइस पे बहुत अच्छा होटल पा सकते हैं। और यहाँ से जो मणिकर्णा गुरुद्वारा है वो भी बहुत पास है, ये मेनली छोज ब्रिज के नाम से फेमस है एंड कसोल से ज़्यादा लोग यहाँ आना पसंद करते हैं बिकॉज यहाँ पे नेचर और शांति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं रिवर साइड पे, पार्वती रिवर के पास जहाँ पे वो ब्रिज बना हुआ है और देख रहे हैं आज शायद न्यू ईयर के नाम पे 2-3 जगह पे पार्टी है, देखते हैं क्राउड कहाँ चलता है, वहाँ पे ज्वाइन करते हैं हम। बाकी व्यू तो ऑसम है ही। अगर आप लोग कसोल आ रहे हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे यहाँ के आसपास के जो विलेज जैसे ग्रान विलेज, गोर विलेज, वहाँ पे जा सकते हैं और ट्रैकिंग एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, एक्चुअली हम ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और जब भी प्लान कर देते ना कभी सक्सेसफुल नहीं होता था। सडनली हमें लगा यार माउंटेन्स आर कॉलिंग अस, तो हमें चलना चाहिए, तो थोड़ा फिल्मी हो गया बट चलता है। तो हमने बस एकदम से अपने बैग पैक किए और हम चल दिए। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज पे जो छोज ब्रिज है। पहले आप ये देखिए ये पाइन व्यू होटल है, इसी होटल में हम स्टे कर रहे हैं। अभी थोड़ा शाम हो गया तो हम आपको ये सुबह दिखाएंगे। तो ये देखिए ये है छोज ब्रिज, ये पार्वती रिवर के ऊपर बना है। अगर आप कसोल मार्केट से आ रहे हैं तो इस रिवर के साइड बाई साइड आते रहे, 1-2 किलोमीटर के बाद आप पहुंच जाएंगे। और बेस्ट पार्ट इज कि आप यहाँ पे इवनिंग बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक स्पेंड कर सकते हैं। अभी हम रिवर के पास ही जा रहे हैं, एज सच अभी हमारा कैफ़े वगैरह में बैठने का सीन नहीं था, हमें लगा यार नेचर देखने आए हैं तो नेचर के साथ ही इवनिंग बितानी चाहिए, तो अभी हम शाम यहीं पे बिताने वाले हैं। अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो चुका है, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, इफ़ेक्ट है क्योंकि तो उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद सो जाएंगे, सोने के बाद हम कल सुबह मिलते हैं आप सभी को। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कसोल की और भी वीडियोस आनी रहती है, अभी तो बस ट्रेलर है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।